के मुखिया हसन नसरल्ला को मारकर इजरायली सेना ने लेबनान के साथ जंग का बिगुल बजा दिया है। इसराइल ने एक हफ्ते में ही दुनिया के सबसे ताकतवर चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला की कमर तोड़कर रख दी है। अब इजरायली सेना ने लेबनानी बॉर्डर पर हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त जमीनी हमला किया। इसराइल की सेना ने सीमा के पास बसे गांव में हमले करते हुए हिजबुल्ला लड़ाकों पर कहर बरपा रही है। इजरायली सेना ने लेबनान के अपने जमीनी हमले को ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो नाम दिया है। IDF ने बताया कि हिजबुल्ला के उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जहां से उत्तरी इसराइल के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सेना उत्तरी इसराइल के नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर अपनी हलचल तेज कर दी है। IDF सीमा से सटी हिजबुल्ला की सुरंगों में तलाशी अभियान चला रही है। IDF के रडार पर इसराइल को लेबनान से अलग करने वाली ब्लू लाइन के पास हिजबुल्ला की सुरंगें हैं। इजरायली सेना के सामने लेबनान का हिजबुल्ला समूह पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। इसराइल की जमीनी फोर्स को एयर फोर्स और आर्टिलरी यूनिट्स पूरी मदद पहुंचा रही है। इजरायली ऑपरेशन के बाद से दक्षिणी लेबनान में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कहा कि वह इसराइल के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार है। साल 2006 के युद्ध की तरह इसराइल को एक बार फिर मुंह की खानी होगी। हिजबुल्ला के कई नेताओं को खोने के बावजूद हमारे लड़ाकों का हौसला कम नहीं हुआ है। इसराइल में 150 किलोमीटर भीतर तक हमारे रॉकेट और मिसाइल हमले हो रहे हैं। जमीनी लड़ाई में भी हम मुकाबले को तैयार हैं। ऐसे में ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि अगर इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला समूह में सीधा और आर पार का युद्ध छिड़ता है तो कौन किस पर कितना हावी होगा। जहां इसराइल के मिलिट्री पावर लेबनान से 8 गुना ज्यादा है, वहीं इसराइल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है, तो वहीं लेबनान के पास रिजर्व फोर्स है ही नहीं। इसराइल के पास 8,000 जवानों की पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि लेबनान के पास 25,000 जवानों वाली पैरा मिलिट्री फोर्स है। टैंक्स के मामले में हिजबुल्ला के पास 350 टैंक्स हैं, जबकि इसराइल के पास 2,000 से ज्यादा टैंक्स हैं। हिजबुल्ला के पास 10,000 बख्तरबंद वाहन है, जबकि इसराइल के पास 56,000 से ज्यादा है। इसराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेलेट आर्टिलरी है, वहीं लेबनान के पास महज 84 है। आबादी के मामले में लेबनान इसराइल से छोटा है। इसराइल के पास 37 करोड़ 44 लाख लोगों का मैन पावर है, जबकि लेबनान में 20 करोड़ 65 लाख ही हैं। नौसेना में जहाजों और युद्ध पोतों के मामले में लेबनान इसराइल से आगे है। इसराइल के पास 67 जहाज है, जबकि लेबनान के पास इससे 19 ज्यादा यानी कि 86 जंगी जहाजों का बेड़ा है। इसराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं, लेबनान के पास एक भी नहीं है। इसराइल की तैयारी देख ये साफ अंदेशा जताया जाने लगा है कि इसराइल अब की बार हिजबुल्ला को तबाह करके ही छोड़ेगा। इसराइल पिछले काफी महीनों से हिजबुल्ला को हमलों से परहेज करने की चेतावनी दे रहा था, मगर इसराइल ने मौका देखते ही हिजबुल्ला को ऐसी चोट पहुंचाई है जिसके जख्म भरने में उसे काफी समय लग सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना काफी अहम रहेगा कि मिडिल ईस्ट में जारी उथल पुथल क्या नया रंग लेता है।